हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। निशान प्रिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, मैं अपने लहसुन के खेत में आ चुकी हूँ। तकरीबन मैं यहाँ आधे घंटे से आई हूँ, ये चोरी करने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए आई हूँ। मैं एक खाची उखाड़ ली हूँ, अब इसे ले करके मैं घर जाऊँगी। शाम हो चुकी है दोस्तों, दोपहर में दोस्त बहुत धूप थी इसलिए मैं खेत में नहीं आ पाई, और अभी आधे घंटे पहले आई तो तुरंत शाम हो गया, और अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, मैं खाना भी बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को खेत घुमा दे रही हूँ लहसुन का, और इधर पीछे का तो फिलहाल मैं उखाड़ ली हूँ। देखिए पीछे मैं नहीं हूँ, सब उखाड़ ली हूँ, और इधर अभी आगे में लगा हुआ है, अभी बहुत उखाड़ना है, बहुत सारा लहसुन है। देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग इतना आगे तक है। तो अभी इसमें दो दिन तीन दिन टाइम लग जाएंगे, दो तीन दिन में मैं उखाड़ लूँगी इसे। बहुत मेहनत लगते हैं दोस्त, इसको रोपने में भी बहुत मेहनत लगता है और उखाड़ने में भी बहुत मेहनत लगता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इससे उखाड़ रही थी, इसी खुरपी से देखिए उखड़ गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या करती है। मैं बता दूं कि मैं सारा काम करती हूं, खेत का भी, घर का भी, और वीडियो भी अपलोड करती हूं। मैं बहुत मेहनत करती हूं दोस्त, मैं घर का सारा काम करते हुए एक वीडियो अपलोड कर पाती हूं, बहुत मेहनत करती हूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों मित्रों सब में। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा प्यारा कमेंट्स कर दीजिएगा। यही ज़िंदगी का मतलब है, यही ज़िंदगी है। कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी पढ़ाई करो, कभी खाना बनाओ, कभी खेती बाड़ी में काम करो, ज़िंदगी में भागम भाग, दौड़म दौड़म लगा रहता है, भागम भाग ज़िंदगी है। और कोई भी काम हो दोस्त, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, अपना काम है। अपने पिताजी के खेत में आई हूँ लहसुन उखाड़ने के लिए, बोले थे वो लोग, मैं चली आई। अपना काम में शर्म नहीं किया जाता है, मैंने कभी शर्म किया ही नहीं। मैं जब कुछ गलत ही नहीं कर रही हूँ तो शर्म क्यों करूँगी भाई, है ना? सच गाना है, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई भी न जाने कब क्या हो जाए कल। तो हमेशा दोस्तों हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए हर किसी को लाइफ में, क्या किया जाएगा, यही लाइफ है, इसे हंस करके खुल करके जीना चाहिए। गम को छुपाने से कुछ नहीं होगा और गम को बताने से भी कुछ नहीं होगा, बस सारी बातों को इग्नोर करके साइड में रख के बस हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो ये तो कहा ही गया है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार। पता है मैं क्यों ये जोक मार रही हूँ? क्योंकि मुझे देखकर कुछ लोग भोंकने लगे, भौ भौ भौ। सामने से नहीं भोंकते हैं, पीठ पीछे भोंकते हैं। कोई सामने आता तब मैं उसे बता दी अच्छे से। ये तो सच कहा गया है कि सफलता के हर एक कदम पे हर एक कुत्ता आपको मिलेगा, और उन सारों कुत्तों से आप उलझते जाएंगी, फिर तो आपकी ज़िंदगी भी नहीं सुधर पाए, नहीं सुलझेगी कभी। उलझने का आदत पड़ गया है, पड़ जाएगा, इसलिए किसी से उलझो नहीं, बस उन सारे कुत्तों को इग्नोर कर दो और आगे बढ़ो। बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।